रामचरितमानस में जटायु का जिक्र आपने सुना होगा, या टीवी सीरियल रामायण में जटायु और उनके भाई संपाति का एपिसोड तो जरूर देखा होगा। जटायु रामायण के एक पूजनीय किरदार हैं, जिन्होंने माता सीता का अपहरण कर जा रहे रावण से युद्ध किया और अपने प्राण त्याग दिए थे। भारत में जटायु की मूर्तियां भी कई मंदिरों में देखने को मिल जाती हैं, लेकिन कानपुर में उस वक्त कौतूहल मच गया जब एक सफेद हिमालयन गिद्ध लोगों को मिला। इस सफेद और बूढ़े गिद्ध को देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। कानपुर के बेना झाबर इलाके में यह गिद्ध स्थानीय लोगों को मिला तो हर किसी में मानो इसे देखने की होड़ सी लग गई। लोगों ने इस गिद्ध की तुलना रामायण के जटायु से की। कई लोग इस वयोवृद्ध गिद्ध को जटायु का रूप बताने लगे। इसके बड़े बड़े पंखों को फैलाकर लोग देख रहे थे। इसे छूने की कोशिश में कई हाथ आगे बढ़े। आखिरकार वन विभाग ने इस हिमालयन गिद्ध को अपने संरक्षण में ले लिया। ये एक हफ्ते से यहाँ बैठता था, पता नहीं कहाँ से आया था, और जब इसकी तरफ को हम लोग निगाह डाली तो देखते रहे तो ये पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, मगर पकड़ में नहीं आया। वो किसी तरकीब से आके नीचे गिरा तो हम लोगों ने उसको पकड़ा, इसलिए कि इसके चोट चपेट ना आवे, और इस तरीके से उसको हमने अपने पास रखा करीब 2.5 घंटे। इस गिद्ध की उम्र सैकड़ों साल बताई जा रही है। कई तरह के कयास लग रहे हैं, लेकिन फिलहाल इसकी उम्र के बारे में अध्ययन किया जा रहा है। वन विभाग ने इस गिद्ध को 15 दिनों के लिए क्वारंटीन कर लिया है। इस दौरान इस हिमालयन गिद्ध की तीमारदारी की जाएगी और इसकी उम्र से जुड़े अध्ययन किए जाएंगे। गिद्ध की यह प्रजाति हिमालय और तिब्बत के इलाके में पाई जाती है। ऐसे में लोग हैरान हैं कि यह गिद्ध आखिर कानपुर कैसे पहुंचा। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।